तुमड़ी भी झांक रही है, यहाँ से एक और तुमड़ी है। करेले तो बहुत ही लगे हैं इस बार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा फर्स्ट क्लास नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को हो रहा है आँखों में इन्फेक्शन, आई फ्लू हो रहा है, तो इसलिए मैंने गॉगल्स लगाए हुए हैं। लेफ्ट आई तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, सूज के पकौड़ा हो रही है। कल सुबह से ही, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, क्योंकि आँख प्रॉपर खुल नहीं रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो बनाया जाए। ब्रेकफास्ट करा दिया, मरता क्या ना करता, ब्रेकफास्ट तो कराना ही था भाई सबको, क्योंकि दानी का अपना इतना काम हो जाता है। रह गई माता जी, माता जी तो ऊपर आती नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाया उनके लिए, पराठे, दही, दूध और 2 केले दे दिया। कुनार के लिए कॉर्नफ्लेक्स, दानी ने कॉर्नफ्लेक्स, मैंने ओट्स। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज की मेरे, और मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ अभी, क्योंकि कल तो मैंने शाम को दूध भी मैंने नहीं बांटा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरी आँख में थोड़ी चोट भी लग गई थी, ऊपर से उसी में आई फ्लू भी हो गया। देखो कितनी सूज रखी है। तो मैं दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन में आज क्या क्या सब्जी लगी है। मैं 2 दिन के बाद आज पीछे की साइड गई और देखा तो वही मज़ा आ गया। मेरी किचन गार्डन बैक साइड की, बैकयार्ड की लौकी भी हो रही है, यानी कि लौकी हो रही है तुमड़ी वाली, गोल वाली। और ये करेले बाबू लटक रहे हैं, वो भी करेला है। इधर तुरई भी है। ये मैंने जो ये बनाया है ना, इसमें ऊपर से भी बेले नीचे आ रही है और यहाँ से भी ऊपर जा रही है। मैंने ऊपर भी सब्जी लगाई है ना, उधर छत से। और ये देखिए करेले, तो मतलब करेला भी हो रहा है और तुमड़ी भी हो रही है। ये देखिए, ये तो मैंने आज ही देखी, परसों को ये तोड़ी जा सकती है। और ये देखिए है ना, तुरई भी हो रही है, करेले भी हो रहे हैं और लौकी भी हो रही है। तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी आंखों का सारा जो किरकिरापन हो रहा है वो सब कम हो गया इन सबको देखते हुए। लेकिन अभी इसमें खाद और मिट्टी डालनी है। खाद और मिट्टी इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डालने की सोच रहे तुरंत बारिश हो जा रही है, तो पूरी खाद और मिट्टी गीली हो जा रही है, तो उससे हैवी हो जा रहा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, तो मेरे गार्डन में लगा है बैंगन, उधर दूसरा बैंगन, तीसरा बैंगन, 2-3 बैंगन लगे हैं, और तुरई भी लगी है, और तुमड़ी भी लगी है, और करेले भी लगे हैं, है ना। तो हालांकि कल भी मैंने 2 करेले तोड़े थे, कल रात को 2 करेले बनाए थे, आज भी करेले तोड़ते हैं। वो देखिए करेले, एक्चुअली इस बार इतना ज्यादा फ्रूटिंग सब्जी हो नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी इतना सपोर्ट नहीं किया। पहले बारिश हुई नहीं और अब बारिश एक्सेस हो जा रही है, जिससे जो फ्लावर हैं सारे झड़ जा रहे हैं। और नीचे वाली जो मेरी ये बेल है, इसको अभी मैं क्रीपर नेट नहीं लगा पाई, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है। अब आज फिर बिजी हैं हम, कल लगाया जाएगा। और मेरे रूफ टॉप गार्डन में जो मैंने ये टब में लगाया हुआ है, उसमें भिंडी भी फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए, है ना। तो थोड़ी सी भिंडी तोड़ लेती हूँ, करेले भी हो रहे हैं, और हरी मिर्ची भी बहुत सारी हो रखी है। एक ही पेड़ में इतनी सारी मिर्ची लगी हुई है, देखिए।
और यहाँ पर ये लाल साग भी हो रहा है, तो लाल साग भी खाने में बहुत स्वाद होता है। हरी चौलाई से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये लाल वाली चौलाई। तो इसके कुछ दूर दूर मैंने ये पेड़ छोड़ दिए थे, ये देखिए। और मेरे पास तुरई भी हो रही है, एक तुरई यहाँ पर है, एक तुरई इधर में है, तो एक तुरई ये है, तो तीन तुरई लगी हुई हैं। और देखिए और भी फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन मुझे इनके फूलों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। एक बार मैंने बहुत पहले खाई थी, तो जब एक्सेस होंगी इसमें बडिंग तो तब मैं इनकी एक बार सब्जी बनाऊंगी। और दिखाती हूँ मैं क्या क्या लगा है इस बार मेरी किचन गार्डन और रूफ गार्डन में। और ये देखिए इस बार बम्पर फ्लावरिंग हुई है मेरे इस अमरूद के पेड़ में, ये देखिए। तो मैं इसमें अभी बराबर अभी 15-15 दिन के गैप में मैं इसमें खाद डाले जा रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा फूल इसमें गजब आए हैं, बशर्ते कि ये चिड़िया इनको छोड़ दें। चिड़िया थोड़ी सी, अब पॉली हाउस तो मैंने बनाया नहीं हुआ है, ओपन में ही है रूफ टॉप में, कभी इन फ्यूचर में होगा तो देखा जाएगा, पैसे पूसे उसके बाद ही बनेगा। और देखिए ये मेरा संतरे का एक ही पेड़ है जो मैंने ग्रो बैग में बनाया है, ये अभी पूरी डंडी इसकी झुक चुकी है, देखिए ज़मीन से थोड़ा ही रह जाता है, इसका कभी उपाय करेंगे अभी। ये देखिए इसमें बहुत सारे संतरे लगे, कम से कम 25-30 संतरे लगे होंगे, तो जब पकेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो और बड़े लगे भी हैं संतरे, और ऊपर से छोटे भी आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे, मतलब फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग दोनों एक साथ हो रही है। यहाँ पे कुछ उपाय करना पड़ेगा जल्दी ही। और ये जो ग्रो बैग में मैंने बैंगन का पेड़ लगाया है उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, अभी मैंने इसको कुछ 10-15 दिन पहले गुड़ाई किया था, खाद डाला था, तो उसके बाद से ये हो गया। आम के पेड़ में भी अच्छे से फूल पत्ती आ रही है। और ये देखिए एक और मेरा बैंगन का पेड़ जिसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। मेरी करेले की बेल भी अच्छी हो रही है, खूब अच्छी हो रही है ये। इसमें से मैं 5-6 बार सब्जी बना चुकी हूँ, ये देखिए। कल ही रात को मैंने, मतलब रात शाम तो हो ही चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था, तब मैंने इसमें से करेले तोड़े थे। और भिंडी भी खूब अच्छी हो रही, भिंडी कल तोड़ेंगे, ये भी मैंने अपने जो ड्रम होता है उसको हाफ हाफ करके ये बनाया था दानी ने। ये बैंगन का पेड़ ये एक और भी लगा हुआ है। हाँ तो आजकल थोड़ा ये है कि मेरे को 1 घंटे की बचत हो जा रही है, वो भी किस लिए, क्योंकि वाटरिंग नहीं करनी पड़ रही है। और ये देखिए डबल चमेली में भी खूब फूल हो रहे हैं, जब मेरी पार्तिक पूजा हुई थी मैंने इसमें से सारे फूल लिए थे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक एक करके ये मैंने गमले ऊपर छत में, क्योंकि ये टॉप फ्लोर में लेके आना ऊपर मतलब तो बहुत भारी पड़ जाता है। और देखिए तुलसी को देखिए कितनी भव्य हो रही है मेरी तुलसी, इसमें खास भी हो गई है। एक दिन अभी तोड़ा था लेकिन फिर से हो गई, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसीलिए ज़्यादा तोड़ूंगी तो डर लगता है कि कहीं तुलसी ना टूट जाए। और ये है मेरा मोरिंगा का पेड़, ये थोड़ा सा जल्दी सूख जाता था, तो फिर मैंने इसमें क्या कहते हैं, इसकी मिट्टी ना सूखे इसलिए इसका जो सॉइल कवर करने के लिए मैंने ये टर्टल वाइन लगाया। और मैंने कपड़े भी धोए थे, कपड़े भी फैला लिए हैं, अभी थोड़ी सी धूप हल्की हल्की आई हुई है, धूप अगर नहीं भी है ज़्यादा तेज तो धूप नहीं है, बट थोड़ी सी गर्मी से ही हवा लग जाएगा तो कपड़े सूख जाएंगे मेरे। और देखिए पहाड़ों का दृश्य कितना सुंदर हो रहा है, ये पीछे मेरे घर के छत से ये व्यू दिखाई देता है, ये है नैनीताल की पहाड़ियाँ, बादल भी लगे हुए हैं आसमान में इतना सुंदर सा, देखिए सफ़ेद सफ़ेद से बादल लगे हुए हैं, ये देखिए हवा भी चल रही है, मस्त धूप भी आई हुई है, ये देखिए। और अब मैं अपनी वीडियो को देती हूँ यहीं पे विराम। देखिए कितने सुंदर से इसने जो कपड़ों की जो मेरी तार है उसको भी कवर कर लिया है, कोई बात नहीं, है ना, कितना सुंदर सा लगता है, ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है दृश्य, ये हिल रहे हैं इसके छोटे छोटे से तुरई की बेले। एक्चुअली अपनी तरफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी आँख में हो रहा है दर्द, आँख से पानी भी आ रहा है।
ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मेरे चैनल को देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव मेरे सर आँखों पे। तो मिलते हैं जल्दी। लव यू ऑल।